तो भाई लोग, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रेंजर के एम्पलीफायर के बारे में, जो कि हमारे पास 3 एम्पलीफायर होने वाला है, जो कि स्ट्रेंजर का PBT701 रहेगा। सो 700 वाट का बूस्टर एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर में हम यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं, जिसमें कि हमारे पास है स्ट्रेंजर का SM6 मिक्सर, जो कि छोटा मिक्सर है, 6 चैनल का मिक्सर है, जिसमें कि हमारा 2 आउटपुट निकलता है। तो हम इस टाइप के मिक्सर में हम कैसे कनेक्शन करेंगे 3 एम्पलीफायर को बिना डिस्ट्रीब्यूटर के, तो चलिए हम जान लेते हैं कि हम इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलते हैं इस चैनल से। तो चलिए गाइस, बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेंजर के PBT701 के बैक पैनल में। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि लाइन इन लिखा हुआ है और लाइन आउट लिखा हुआ है। तो हम इसमें कनेक्शन कैसे करेंगे, सो यहाँ पर कनेक्शन आपको देन क्या करना है, SM6 मिक्सर से आपको 2 आउटपुट मिलते हैं, 2 आउटपुट आपको लेना है यहाँ पर, 2 जैक टू जैक आपको केबल ले लेना है। तो जो आपका SM6 मिक्सर का जो लेफ्ट का ऑप्शन है, मतलब लेफ्ट और राइट का 2 ऑप्शन मिलता है, तो लेफ्ट का जो आउटपुट रहेगा वो आपका फर्स्ट एम्पलीफायर में जाएगा, सबसे ऊपर वाले एम्पलीफायर में, लाइन इनपुट में। सो लाइन इनपुट में आपको लगा देना है और आपका राइट का ऑप्शन बच जाता है, तो राइट वाले ऑप्शन से भी आपको जैक और जैक का केबल लेना है और उस केबल से आपको दूसरे एम्पलीफायर में यहाँ पर लाइन इन में आपको यहाँ पर लगा देना है। सो कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन कर लेना है। सो आपका 2 एम्पलीफायर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तीसरा एम्पलीफायर के लिए हमें कुछ इस प्रकार से कनेक्शन करना है, जिसमें कि आपको जैक टू जैक यहाँ पर एक और केबल चाहिए और यहाँ पर इसके लिए आपको कनेक्शन करना है कि दूसरा एम्पलीफायर में लाइन आउट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, उसमें हमें जैक वाला जो आपके पास केबल है उसको यहाँ पर इंसर्ट करना है लाइन आउट में, और जो तीसरा एम्पलीफायर है उसमें हमें लाइन इनपुट करना है। सो देन यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। फर्स्ट में आपको लेफ्ट का यहाँ पर पहला एम्पलीफायर में लगाना है लाइन इन में, और यहाँ पर दूसरा एम्पलीफायर का जो है वो राइट का यहाँ पर आएगा आउटपुट मिक्सर से, वो जाएगा यहाँ पर आपके दूसरे एम्पलीफायर में लाइन इन में, और यहाँ पर जो तीसरा एम्पलीफायर है इसको एम्पलीफायर टू एम्पलीफायर आपको यहाँ पर कनेक्शन कर देना है, जैसे कि दूसरे एम्पलीफायर से लाइन आउटपुट हम लेंगे और तीसरे एम्पलीफायर में लाइन इनपुट हम कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है। अब यहाँ पर आप इसमें स्पीकर चलाइए या फिर आप हॉर्न ड्राइवर यूनिट चलाइए या फिर HF चलाइए, जो भी आपको चलाना है वो आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना है, देन आपका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में बस इतना है। छोटा सा वीडियो टॉपिक था क्योंकि एक भाई का कमेंट था, तो मैंने सोचा चलो आज की वीडियो के टॉपिक में इसको कवर कर लिया जाए। तो मेरे चैनल में आपको छोटे से लेकर के बड़े बड़े यहाँ पर आपको कनेक्शन के वीडियो मिल जाएंगे, तो सभी चीज का मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।